जी, मेरा नाम प्रीति दिलीप पोहेकर है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। लातूर जो शहर है वहाँ पर मैं प्रोफेसर के तौर पर, राजर्षि शाहू महाविद्यालय एक कॉलेज है वहाँ पर मैं पढ़ाती हूँ विद्यार्थियों को। दिव्यांगजनों के लिए इस विभाग के द्वारा कई योजनाएं जो है, कई विकास के लिए दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई हैं। उसमें खास मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो है, एसटी बसेस हो या रेलवे हो, उसमें दिव्यांगजनों के लिए कुछ कंसेशन दिया जाता है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स जो है वो दी जाती है उनकी पढ़ाई के लिए, और दिव्यांगजनों को कुछ सर्विसेज में वगैरह रिजर्वेशंस भी दिए जाते हैं। और ये इन सब में इस विभाग की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी है। हाँ, वैसे मदद के बारे में अगर कहना है तो कोई भी इंसान किसी की मदद के सिवा तो कोई भी काम नहीं कर सकता है, और ख़ास दिव्यांगजनों के बारे में अगर कहना चाहूँगी तो मदद की तो ज़रूरत होती ही है। कोरोना के इस दौरान में दिव्यांगजनों की स्थिति में बहुत बहुत बदलाव हो चुका है। खास अगर कहना है तो सबसे पहले बेरोजगारी जो है वो ऐसे ही बढ़ चुकी है, लेकिन दिव्यांगजनों में वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह से केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के विकास के लिए प्रयास करती है, उसी तरह से राज्य सरकारें भी कोशिश करती हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों की इसमें भूमिका जो है वो और ज़्यादा अहम होनी चाहिए है, जैसे कि केंद्र सरकार की है। दिव्यांगजनों के विकास के लिए जो छोटी छोटी उन्हें सहूलियत दी जाती है वो उन तक कैसे पहुँचे, इसका भी कहीं ना कहीं विचार होना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एक ही मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकारें जो है बहुत अच्छी योजनाएं बनाती है, लेकिन कहीं जाके ये होता है कि ये योजनाएं पूरी की पूरी जैसे बनाई जाती है वैसे उन व्यक्तियों तक पहुँचती नहीं है कई बार। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दिव्यांग जनों के लिए जो योजना बनाई गई है उसका उन्हें लाभ मिले, इस तरह से सरकारों ने कुछ करना चाहिए या प्रशासन ने कुछ करना चाहिए। इतना ही मैं इस बारे में कहना चाहूँगी।